भौतिक्यों का सत्ना करता पुरख निर्भाव निर्वै प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच निमाण्यों के मान गुरु नितान्यों के का ओटियों की ओट ने आसरों के आसरे आनंद गुणी निधा परम सत्कार्य शासन कुछ शब्द पढ़ने वास्ते हुक्म होया है पर समय ना नहीं कि जेड़े जेड़े शब्द पढ़ने वास्ते हुक्म होया है वो पढ़ सकिए। फिर भी कोशिश करेंगे कि जिन्हें शब्द पढ़ सकते हैं आपकी सेवा करिए। महापुरुषों की याद विच गुरु साहबां दी हजूरी विच बैठे हो, बाहर जिहड़े सज्जन खलोते ने वह भी कृपा करके प्यार नाल बैठ के गुरबाणी का आनंद लैन आयो समा कट के। जे गल्लां विच उधर-उधर समा बिता दिता तो इत्थे आण का लाभ कोई नहीं। लाभ तो इहो ही है कि प्यार नाल बैठ के गुरबाणी सुनो और आनंद तुसा आप लेना है। बाणी सुनो ते आप उदी विचार करो फिर आनंद आवेगा। आओ जो गुरु साहब जी ने बल बख्शे है बाणी द्वारा आप दी सेवा कर दे। विठल बिन संसार नहीं पी बैठी हल ओ बैठी हल विठल बिन संसार नहीं पी बैठी हल ओ बैठी हल। दुनिया कई नामां दे नाल उस परमेश्वर नूं याद करदी। कोई अल्लाह कहिंदा है, कोई राम कहिंदा है, कोई वाहिगुरु कहिंदा है, कोई कुछ कहिंदा है, कोई कुछ कहिंदा है। ए शब्द भगत नामदेव दे जिन्ना ने परमेश्वर नूं बैठल करके याद कीता है। भगत जी कहिंदे ने हर पासे बैठल है ओ वाहिगुरु है उस तों सिवा कुछ भी नहीं। बैठी
बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं इबे बीठल उबे बीठल आनी रे कुंभ पर आई ले ओ देख ठाकुर को स्नान करो भगत जी कहते एक दिन सोचे ऐ मना क्यों ना ठाकुर की सेवा करा कुंभ कड़े नुके है उदक पानी नुके कड़ा लिया नदी तो पानी दा भरिया कड़ा सिर ते चुके ठाकुर नु इशनान कराण तुर पए उस पानी नु सुचा समझ के आनीले कुंभ पर आईले ओ देख ठाकुर को स्नान करो तुरता पे पर फिर सोचिया ऐ मना तेरा ता ए पानी झूठ है इस तरह 84 लाख जोड़ा परमेश्वर ने पैदा कीतिया ने जिदे विचों 42 लाख जीव पानी विच पैदा कीते ओ 42 लाख जीव पानी दे विचे खांदे ने ते विचे गंद सुटदे ने इस वास्ते ए पानी झूठा है ठाकुर दी सेवा कादे नाल करां लख जी जल में होते बिठल भैला काई करो बिठल भैला काई करो की बिठल ओ बिठल में संसार नहीं की थल ओ बैवी थल पानी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हाँ पूजी करो पानी झूठा निकले कड़ा उथे रख दिता बाग विच चले गए बड़े सोने फुल खिड़े सन आनीले फूल फुलां नू तोड़िया फुलां दी माला हार बनाया पूजा करन वास्ते तुर पए उन्हां फुलां नू सुचे समझ के पानी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हाँ पूजी करो तुरता पे पर फिर ख्याल आया ऐ मना तेरे ता ए फूल भी झूठे ने किस तरह जदों फुल खिड़दा है ते ओनू पहला पवरा सुंघ लैंदा है ते कहंदे ने सुंघण दे नाल चीज झूठी हो जांदी ए फुल झूठे क्योंकि पहला पवरे ने सुंघ लए ने ठाकुर दी सेवा ऐ भाई मैं कादे नाल करां
विकल भैया काय करो की बैठल ओ बैठल में संसार नहीं की बैठल ओ बैठल पानी जूठा फूल भी जूठे सोची पै गए नामदेव जी कोई चीज सोची नहीं लभदी कादे नाल सेवा करा। ख्याल आया घर चले गए बाल्टी मांजी बड़ी सुचता दे नाल गां दा दुध जोया खीर बनाई ठाकुर नूं खवाण दी तैयारी कर ली। उस खीर नूं सुची समझ के आनी ले दूध री धाई ले खीर ठाकुर को नैवेद्य करो। खीर बन गए ठाकुर मुकवाण की तैयारी भी कर ली। पर फिर ख्याल आया ए मना तेरी ता खीर जूठी किस तरह जदों गां चोई दी तां बच्छा छड़ी दे बच्छा गां दे थान चुंग दे कीटाणु सदका सारा दुध जूठा हो जाता है। दुध जूठा क्योंकि पहला बच्छे नहीं चुंगे ए खीर जूठी ऐ भाई मैं ठाकुर की सेवा कादे नाल करा। पहले दुध पिटारे ओ बछरे पिठल पैरा काय करो पिठल भैला काय करो की बैठल ओ बैठल पिठल बिन संसार नहीं की बैठल ओ बैठल। ओ परमेश्वर सारियां दे विच किस तरह बैठा होया सत्संग जे आनंद लेना असी भी आप जी नूं अर्थ सुनावांगे। पर कोशिश करो जेड़ी पंक्ति सुनो आप भी विचार करो कि इस पंक्ति का की अर्थ हो सकता है। जदों मन बाणी दे पिछे पिछे तुरेगा ए दुनिया बहुत पिछे रह जाएगी फिर मन पानी दे विच खुब जाएगा। नामदेव जी 12-13 साल की उम्र है पिंड दे बाहर खेडते पे कुछ साथियों दे नाल शेर ने गर्ज मारी शेर की आवाज सुन के नाल दे बच्चे ते पिंड नूं भज पए। पर भगत जी बचपन तों ब्रह्म ज्ञानी सन जिधरों शेर की आवाज आई नामदेव जी उस पासे तुर पए। सामने शेर आया उन्हों देख के डरे ने शेर दियां अखां दे विच अपनी अखां मिलाईयां ते नाले इउं कहे ऐसो राम रहे अंतर जामी जैसे दर्पण माहे बदन परवानी। ओ राम राय
सारियां विच इस तरह बैठा होया है जिस तरह दर्पण दर्पण कहंदे ने शीशे। जदों आपां शीशा देखांगे सानू साडा मुंह दिखेगा, जे नहीं देखांगे ते नहीं दिखेगा। इस तरह सारियां विच परमेश्वर है, जदों देखांगे उदों नजर आवेगा। ऐसो राम राय अंतर जामी, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी, बसे कटा कट लीप नची पे, बंधन मुक्ता जात न दिसे, पानी माए देख मुख जैसा, पानी दी को बाल्टी भरी हो या खूह भरिया होवे, उहदे विच झाकीए तां सानू साडा मुंह दिखेगा। इसे तरह सारियां विच ओह रमैया बैठा है, पर उदों नजर आवेगा जदों देखण दी कोशिश करां। इन्नी गल कही, शेर ने तौण नीवी कर ली। नामदेव जी अगे होए, शेर के गल विच गलवकड़ी पा ली, ते नाले कहंदे ने आ यार केड़े रंगा विच लगा फिरना। पानी माए देख मुख जैसा, नामे गोस्वामी पीठल ऐसा, पी थल ओ बैठल में संसार नहीं, की बैठी थल ओ बैठल। नामदेव जी घरों बार गए सन, पिछों घर में अग लग गई, आंडी गुआंडी समान कढ के बाहर रख रहे, पानी पा के अग बुझा रहे। नामदेव जी आए, भगतां दे काम दुनिया तो वखरे होंदे, जेड़ा समान लोकां बाहर कढ के रखे है नामदेव जी चुक चुक के फिर अग विच सुटन लग पए। ते नाले कहंदे ने ऐ परमेश्वर, ए मेरी झुकी ते तू साम लई है, समान किथे रखना है, एनू भी साम ले। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। अग विच पाख्या आई, ऐ नामदेव कि अग विच भी तू मैनू समझदा। ता नामदेव जी चो मुठे ते अपने शब्द द्वारा की कहंदे, एक अनेक ब्याप को पूरक, जद देखा तत सो, एक अनेक हैगा तू एक, तेरे नाम कई तेरे रूप कई, एक अनेक ब्याप को पूरक, जद देखा तत सो, माया चित्र विचित्र विमोहित, विरला पूजै को, सब गोविंद है। ऐ परमेश्वर जे सारे विच तू है, ते अग भी तां तेरा रूप है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं को, की बैठू थल ओ बैठल, बैठल बिन संसार नहीं, की बैठू थल ओ बैठल। चुगी सड़ गई, समान भी सड़ गए, बच्चे बार बैठे। नामदेव जी जात दी छिंबे सन,
कपड़े सीने ते रंगने इन्हां दा काम सी। कुछ सूत्र पिया से घरवाली ने कहा भगत जी सूत्र वेच के समान लाया। नामदेव जी बाजार तुर पे। अगे उस परमेश्वर ने एक गरीब जे आदमी का रूप धारिया, पैर नंगे शरीर नंगा, ते नामदेव दे सामने आके खड़े हो गए। ते नामदेव नूं ही कहंदे ने, ओ भाई और तेनू पता है नामदेव दा घर किथे, एक वारी रसना पूतर करो, सर्वत माई भाई प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। कहन लगे नामदेव, तेनू पता है नामदेव दा घर किथे? ते नामदेव जी कहंदे ने, तू नामदेव दे कोलों की लै? परमेश्वर कहन लगे, मैं सुने नामदेव दानी बड़ा है, मेरे कोल कपड़ा कोई नहीं, हो सकता है उहदे कोलों कोई कपड़ा मिल जाए। हुण ये नहीं किया कि मैं नामदेव। कहन लगे, नामदेव दा घर बहुत दूर है, तू मेरे कोल सूत्र लै लै ते कपड़े लै लै। अद्धा सूत्र दे दिता, पर भगवान कदों छड़ दे। नामदेव जी तुरन लगे, फिर आवाज मार ली, ओ भाई चलिया किथे, मेरी गल तो सुन जा। नामदेव जी कहन लगे, सूत्र तू लै लिया, होर तैनू की चाहिए? ता वो हरि परमेश्वर कहन लगे, गल ये है, सूट जुगा सूत्र तू दिता है, नामदेव दा घर दस दे, पग मैं आपे उहदे कोलों लै लवां। नामदेव जी कहन लगे, इन्हें पिछा नहीं छड़ना, बचिया सूत्र भी दे दिता है। ते हुण ख्याल आया, खाली हाथ घर किवें जाऊंगा? उत्थे ते समान भी सड़िया पे है, झुग्गी सड़ी पई है, घर वाली अगे गुस्से। फिर कहन लगे, चलो मैनू की, जिन्हें झुग्गी साड़ी, जिन्हें दान लिया, आपे हो जाऊंगा। जंगल विच जाके बह गए, भगती कर सत्संग, परमेश्वर मिलदा है। पर उदू जदों उहदे ते भरोसा आ जाए, नामदेव नूं भरोसा है, आपे हो जाने मैनू, जदों भरोसा आ गया तां उस परमेश्वर ने आप कारीगर दा रूप धार लिया। रातो रात नामदेव दा घर बना दी। असी लोग भी तां हैगे, सारी उम्र नक्कां रगड़दे पर दर्शन नहीं हुंदे, क्योंकि मन साफ नहीं। जिन्हां दे मन साफ ने, इह उहनां दीआं कथा कहाणियां। रातों रात शन बन गई, दिने नामदेव जी वापस आए कि घरवाली दा गुस्सा लथ गया होवेगा। अगे सोहनी छन बनी देखी, समझ गए ये काम मेरे वाहिगुरु के सिवा होर कौन कर सकता है। आंडी गुआंडी कट्ठे हो गए, वधाइयां मिलन लग पईआं। एक माता नामदेव दे कोल आई, की कहंदी है? नामदेव जी ने पाणी विच बयान कीता, पाड़ी पड़ोसन पूछ लेना मां, का पहचान चवाई हो? पड़ोसन पूछ दी, नामदेव का पै? एडी सोहनी झुग्गी सारे महल्ले विच नहीं, तू किदे कोल बनवाई? पाड़ी पड़ोसन पूछ लेना मां, का पहचान चवाई हो? मजूरी नामदेव, जे तू एक पैसा मजूरी दी, मैं दो देंगी,
ओ कारीगर मैनू भी दस। तो पे दुगनी मजूरी दे हां मोको बेटी दे ओ बताई हो। बेटी तरखान नूं के कारीगर ओ माता कहंदी है ऐ नामदेव ओ बेटी ओ कारीगर मैनू भी दस। मोको बेटी दे ओ बताई हो रीबा। नामदेव जी महाराष्ट्र विच पैदा होए ने जिथे वड्डी नूं भैण नूं बाई कहिंदे। नामदेव जी कहिंदे ने ऐ बाई ऐ भैण ओ बेटी ओ कारीगर इस तरह नहीं मिलदा जिस तरह तू मंगदी। रीबा बेटी देन ना जा देख बेटी रहो समा देखता सही बेटी रहो समाई ओ बेटी ओ ते सारिया विच है ओ ते हर चीज विच है तैनू किवें दे दियां ओ ते मेरे प्राणा दा आधार है ओ दे सदका ता मैं जीवां। देख बेटी रहो समा हमारे बेटी प्राण आधारा बेटी प्रीत मजूरी मांगे जी को छान छवावे हो। ऐ बहन बेटी प्रीत मजूरी मांगे वो जिहड़ा कारीगर है जिहड़ा मेरा घर बना के गया वो पैसे नहीं मंगता वो ता प्यार दी मजूरी लैंदा है। तू ही नहीं मैं दावे नाल कहना जिन्हें भी ओदे कोल घर बनाना है ओदे नाल प्यार करे जिवें ओह मेरा घर बना गया है ओदा भी घर बना देगा पर शर्त यह है कि प्यार सच्चा हो। बेटी प्रीत मजूरी मांगे जी को छान छवावे हो लोग कुटुंब सबूते तोरे। एक शर्त है लोग कुटुंब सबूं ते तोरे जेड़ी प्रीत तू अपने कुटुंब नाल दुनिया नाल करना है उन्हां नाल छड़ ते सच्ची प्रीत ओदे नाल कर। ऐ भैण ओनू लभण दी भी लोड़ नहीं आपे आ जाएगा। लोग कुटुंब सबूं ते तोरे तो आपन बेटी आवे की बैठू अल ओ बहे पिटल बिन संसार नहीं की बैठू अल ओ बहे। ना बाणी खत्म होती है ना कथा कहानी है समा समाप्त हो गया। आखिरी पंक्ति पढ़ के समाप्ति करांगे क्योंकि जदों समा हो जावे फिर मन थोड़ा जा उचाट हो जाता है। तो कुछ प्रेमियों ने होर शब्द पढ़ने वास्ते हुक्म किया सी नानक दुखिया सब संसार बदो की ना होड़ माधो मोसो होर कई शब्द पढ़ने वास्ते पर समा इन्ना नहीं होंदा कि सारे शब्द पढ़ सकिए इतनी सेवा प्रवान करनी। फिर अमृत वेले अगर समा इन्ना मिलिया कि आप जी दी फरमाइशां पूरियां कर सकिए तां जरूर करांगे। सत्संग समाप्ति दा के है ते सारे उठ के तुर पए हो जांदे जांदे एक गल सुन दे जाओ। एक जाट सुहागा फेरदा पिया सी
ते महापुरुष मिले। कहन लगी हो जटा सारा दिन काम ही करता रहना, कभी रब रब भी कर लिया कर। ते जट कहन लगा तुसी ते इंज कहंदे हो कि रब रब करिया कर जिवें रब वट ते बैठा होया है, हुण रब रब करांगा ते रब मिल जाएगा। महापुरुष कहन लगे वट ते दूर है, रब बहुत नेड़े है, तू कहे तो सही रब मिल जाएगा। हुण जट कहन लगा जे रब मिल भी गया ते मैं रब दा की कर। कहन लगा महापुरुष जे मैं सुहागे नूं कहां सोना हो जा ते सोना हो जाएगा। महापुरुष कहन लगे हो जाएगा पर शर्त यह है कवें मन करके। सुहागा खड़ा करके आप भी नाल खलोगे ते ज्यों कहन लगा सोना हो जा सोना हो जा, कहंदिया कहंदिया दोपहर हो गई। ध्यान जिहड़ा सी ओह सुहागे दे विच कटिया गया, ना प्यास की चिंता ते ना भुख की। सूरज डुब गया कहंदिया कहंदिया सोना हो जा सोना हो जा। हुण मन अक गया, मोर लगन दा वेला आया ते मन अक गया। कहंदा महापुरशां ने धोखा दिता, कदी लकड़ भी सोना बनी। गुस्सा चढ़िया, सुहागा भगा के मारिया ते नाले कहंदा सोना नहीं ते लोहा ही होगा, उदों लोहा बन गया। फिर सिर फड़ के बह गए, कहंदा मना जे दो मिनट होर रुक जांदा तेरा की बिगड़ जाना सी, इन्ना सोना बनना सी कि तेरे कोल मुकना नहीं सी। भाई मनदे हां कि बड़ी देर दे बैठे बहना बड़ा औखा है, भागा वालियां नूं संगत मिलदी है जिथे इन्ना समा दिता है, हुण मोर तां अरदास विच ही लगणी ते प्रसाद दा आखरी अर्थ है आपा कहने हैं ना कृपा। प्रसाद का मतलब है कृपा, ते गुरु की कृपा ते हुण अरदास तो बाद मिलनी है। ये हुण तुहाडी मर्जी है, कृपा छड जाओ भावें लैके चले जाओ। जतर जा तत पिछल भैला महानंद करे सद कैला, थान थन तेरी नामा पेड़वे पूरी रे हो तू सर्वमयी, पूरे रे हो तू सर्वमयी की बैठी कल ओ बैठी बीठल में संसार नहीं की बैठी। Oh